दिवस के मौके पर बस्तर जिले में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को याद किया। जिला मुख्यालय से लेकर विकास खंड में भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुदूर क्षेत्र बस्तर के करपावंड एकलव्य आवासीय विद्यालय में भी शिक्षक दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं राधा कृष्ण की जयंती पर स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुति सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आज हमारे इस एकलव्य करपावंड में बहुत ही उल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सभी शिक्षकों की उपस्थिति के साथ बच्चों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और ये मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मेरे यहाँ के शिक्षक जो है विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। राष्ट्रपति अवार्ड से भी मैं और मेरे यहाँ के एक शिक्षक जो हैं वो स्वयं मुझे भी अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से जनजाति कार्य मंत्रालय श्री अर्जुन मुंडा के द्वारा जमशेदपुर में सम्मानित किया गया है। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं अपना विचार यह बताना चाहता हूँ कि आज आवश्यकता है एक किसी भी विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक के साथ साथ जो समुदाय है और समुदाय के साथ साथ जो छात्रों के जो माता पिता हैं, सबको तीन आयाम की आवश्यकता है। पहला आयाम हो गया विद्यालय के शिक्षक, दूसरा हो गया समुदाय, तीसरा हो गया वो बच्चों के माता पिता। इन तीनों को आगे आकर एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है। इसी के आधार पर सर्वांगीण विकास संभव है।